Hello everyone, today I will explain chapter 6 of English literature. The chapter name is The Mountain and the Squirrel, यानी कि एक पर्वत और एक गिलहरी. तो इस चैप्टर में आपको बता दूँ मैं कि एक माउंटेन होता है और एक गिलहरी होती है जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं. तो वो किस बात पर झगड़ रहे हैं, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल. एक पर्वत होता है और एक गिलहरी होती है जिनमें झगड़ा हो रहा होता है. क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि माउंटेन एंड स्क्वायरल में लड़ाई हो रही होती है. एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग. तो फॉर्मर का मतलब है जो पहला पर्सन है, कौन है, माउंटेन है पहला, और दूसरा कौन है, स्क्वायरल. तो लेटर का मतलब है स्क्वायरल. तो और माउंटेन ने गिलहरी को कहा लिटिल प्राइग. प्राइग, लिटिल प्राइग का मतलब होता है असंतोषी जीव, या कि बहुत छोटा सा प्राणी, बहुत छोटा सा प्राणी. वो खुद पर घमंड करते हुए कहता है गिलहरी से कि तुम एक बहुत ही छोटी सी प्राणी हो, बहुत ही असंतोषी जीव हो. बन रिप्लाइड, बन का मतलब है यहाँ पर गिलहरी. गिलहरी ने उत्तर दिया, गिलहरी आंसर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो. किससे कह रही है, पर्वत से कह रही है गिलहरी. इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन इन टुगेदर. लेकिन जितनी भी सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो मौसम है उनको साथ लेने से ही, टू मेक अप अ ईयर, उन मौसमों को, हर एक मौसम को साथ लेने से ही एक साल पूरा कंप्लीट हो पाता है. एंड अ स्पेयर, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही इस पूरे अर्थ का निर्माण हो पाता है. स्पेयर का मतलब है यहाँ पर अर्थ. अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ना हो और ये मौसम ना हो तो ना तो कोई ईयर कंप्लीट होगा, ना ही ये जो संसार है ये कंप्लीट हो पाएगा. ये स्क्वायरल कह रही है माउंटेन से. एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस. और मेरा मानना है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अपमान नहीं लग रहा है, मुझे इस बात से कोई भी मेरा अपमान नहीं हो रहा है. अगर तुम मेरी इस तरह से बातें कर रहे हो तो मुझे इस बात से कोई भी दुख नहीं पहुंच रहा है. टू ऑक्यूपी माई प्लेस, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एस यू. मैं जैसी हूँ, मैं जिस आकार में हूँ, छोटी हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई भी अपमान महसूस नहीं हो रहा है यदि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ. तो इस बात को सोचकर भी मुझे कोई भी अपमान फील नहीं हो रहा है. यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो. ये बात ध्यान रखो, जैसे मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो. एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और ना ही तुम मेरी बराबर, यानी कि जितनी फुर्तीली मैं हूँ मेरी बराबर भी तुम आधे भी फुर्तीले नहीं हो, मुझसे हाफ भी फुर्तीले नहीं हो. आई विल नॉट डेनी यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक. और तुम भी, यहाँ पर डेनी का मतलब है इनकार करना, मना करना, ठीक है. और तुम कभी भी बहुत प्रिटी का मतलब है सुंदर, सुंदर सुंदर गिलहरियों का, या ट्रैक का मतलब है रास्ता. ये पर्वत से कह रही है गिलहरी कि तुम बहुत ही प्यारी प्यारी गिलहरियों का रास्ता बनाने से भी मना नहीं करते हो, इनकार नहीं करते हो. इन पहाड़ों के बीच में होकर ही हम गिलहरियों का रास्ता बना हुआ होता है, तुम खुद उस रास्ते को बनाते हो. टेल एंड्स डिफर एज ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नीदर यू कैन क्रैक अ नट. अब लास्ट में गिलहरी कहना चाहती है कि जो टैलेंट होते हैं, टैलेंट डिफर मन डिफरेंट तरीके के, अब वो कहना चाह रही है कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितने भी बहुत सारे जीव होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं संसार में, उन सभी के हिसाब से अलग अलग तरीके का योग्यताएं, अलग अलग तरीके का टैलेंट भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से उन सभी में डाला हुआ है. जिस तरीके से वो कहना चाहती है कि यदि मैं अपनी कमर पर कोई भी
जो जंगल है उसको धारण नहीं कर सकती, जिस तरह मेरी कमर पर कोई भी जंगल नहीं उग सकता, उसी तरीके से तुम भी एक छोटा सा अखरोट नहीं फोड़ सकते हो। जिस तरह से मैं अपनी कमर पर कोई जंगल नहीं उगा सकती हूँ, उसी तरीके से तुम भी एक छोटा सा अखरोट नहीं फोड़ सकते हो जैसा कि मैं उस छोटे से अखरोट को फोड़ देती हूँ। तो गिलहरी का कहने का मतलब है, या फिर हम कहें कि इस पोयम का मोरल यह आता है कि इस जो वर्ल्ड है इसमें जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर हैं, उन सभी को भगवान ने अपनी अपनी अलग एक टैलेंट दिया हुआ है और हर एक का टैलेंट उस समय पर काम में आता है जब जिस टैलेंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसीलिए हमें कभी भी इस पर्वत की तरह अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो टैलेंट दिया गया है हमें अपने टैलेंट को यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।